हेलो एंड वेलकम टू मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 खबरें। लेट्स बिगिन। डंकी के मेकर्स ने फिल्म की एडवांस बुकिंग की ऑफिशियल अनाउंसमेंट शेयर की। सेटनिल के अकॉर्डिंग दो दिनों में डंकी के पहले दिन के लिए 1.5 लाख से ज्यादा टिकट एडवांस में बुक हो चुके हैं। इस दमदार एडवांस बुकिंग से फिल्म ने अब तक 5 करोड़ रुपए से ज्यादा एडवांस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। बिग बॉस 17 के लेटेस्ट प्रोमो में विक्की जैन और अभिषेक के बीच धक्का मुक्की और बहस होते दिखाई दे रही है, जिसके चलते पहले विक्की ने अभिषेक को धक्का मारा और फिर अभिषेक ने विक्की को वापस धक्का मारा। हमने पहले सीजन्स में देखा है कि वॉयलेंट होने की वजह से बिग बॉस ने कंटेस्टेंट को घर से बाहर निकाला है। अब देखना यह है कि विक्की और अभिषेक में से कौन घर से बाहर जाएगा या दोनों ही घर से बाहर जाएंगे। टीवी एंड यूट्यूब एक्ट्रेस छवि मित्तल ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सेट पर एक वीडियो शूट करते समय उनके बालों में आग लग गई, जिसे उनके ऑन स्क्रीन हस्बैंड ने तेजी से बुझाया। इसके अलावा छवि की बॉडी हेल्थ में भी काफी परेशानी आ रही है, जिसे लेकर उन्होंने वीडियो में अपडेट दिया। एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने हाल ही में अपने चचेरे भाई रणवीर कपूर और उनके एनिमल को स्टार बॉबी देओल की खुलकर तारीफ की। बेबो ने कहा कि बॉबी अपने टैलेंट को तलाश रहे हैं, जो उनके पास हमेशा से ही था, और आखिरकार उनके पास अब मौका है। उन्होंने कहा कि एक अच्छे एक्टर को कोई नहीं रोक सकता। लेजेंडरी एक्ट्रेस तनुजा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एक्ट्रेस को डिस्चार्ज कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें सोमवार रात को ही डिस्चार्ज किया गया था। एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ दायर FIR और चार्जशीट को रद्द करने की मांग के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एक्ट्रेस ने याचिका में कहा है कि ED द्वारा उपलब्ध कराए गए एविडेंस प्रूफ के रूप में काम करेंगे कि याचिकाकर्ता निर्दोष हैं और वो सुकेश की टारगेट बनी है। विद्युत जामवाल की मच अवेटेड फिल्म क्रैक का टीजर आज रिलीज हो गया है, जिसने एक्शन और एडवेंचर के शौकीनों की सांसें रोक ली हैं। टीजर में विद्युत बेहद खतरनाक स्टंट्स करते नजर आ रहे हैं। टीजर से साफ जाहिर है कि क्रैक एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी। फिल्म में विद्युत जामवाल के अलावा अर्जुन रामपाल और नौरा फतेही भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। दीपिका पादुकोण अब OTT की दुनिया में कोहराम मचाने वाली है। सूत्रों के अनुसार दीपिका पादुकोण इस समय एक मेगा एक्शन थ्रिलर के लिए स्ट्रीमिंग दिग्गज नेटफ्लिक्स के साथ बातचीत कर रही हैं। बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट इंडिया में बेस्ड ड्रग माफिया कल्चर पर आधारित होगा। हाल ही में तारक मेहता के उल्टा चश्मा फैन दिलीप जोशी के बेटे ऋत्विक शादी के बंधन में बंधे हैं, जिसकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वहीं अब ऋत्विक के संगीत की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें दिलीप गाना गाते नजर आ रहे हैं। मच अवेटेड फिल्म हनुमान का धमाकेदार टीजर आज जारी हो गया है। फिल्म में अभिनेता तेजा सज्जा ने मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म का ट्रेलर सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है। घंटे भर में ही ट्रेलर को लाखों लोगों ने देख लिया है। आज मायापुरी टॉप 10 में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए मायापुरी से जुड़े रहें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।